हमारा आज का पहला क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। द हीट वैल्यू इन ए डाइजेशन टैंक ऑफ एन एरोबिक प्रोसेस इज, जो हीट वैल्यू एक डाइजेशन टैंक की कितनी होगी, एन एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, बिना ऑक्सीजन के जो प्रोसेस होती है उसमें हीट वैल्यू कितनी होगी। तो अब हीट वैल्यू क्या होती है, ये हमारे सिलेबस में है कि व्हाट इज़ हीट वैल्यू, ठीक है। तो हीट वैल्यू को आज मैं हीट वैल्यू पे बहुत अच्छा सा एक छोटा सा लेक्चर बना रही हूँ और अभी 1-2 घंटे के बाद मैं उसे अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए फटाफट जो जो चीज़ें आती जा रही हैं उनको तैयार करते चलिए, टाइम कम है हमारे पास। और एक ब्रॉड सिलेबस को मैं एक छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके सारा अपलोड कर रही हूँ। और इसकी जो क्या बोलते हैं PDF के लिए मैं जितना भी कुछ पढ़ा रही हूँ मैं सारा अपलोड करते जा रही हूँ, अभी के अभी अपलोड कर दे रही हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है द हीट वैल्यू इन ए डाइजेशन टैंक ऑफ एन एन एरोबिक प्रोसेस कितना होगा। ए 210, बी 220, सी 230, डी 240। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कह रहा है कि हीट वैल्यू एक डाइजेशन टैंक की, देखो ये जो टैंक का नाम बार बार आ रहा है ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से क्वेश्चन लिए गए हैं मैंने। और इसमें ये है कि वेस्ट वाटर को मतलब साफ़ करने के लिए जो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के बीच बीच के क्वेश्चन हैं। और अभी हम छोटे छोटे लेक्चर भी एक साथ 2-2, 3-3 घंटे के अपलोड कर दे रहे हैं कि जिससे कि सारा सिलेबस एक बार रिवाइज भी हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसलिए ज़्यादा करवा रहे हैं क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हीट वैल्यू आंसर कौन सा सही है, बी 220। तो क्लियरिफिकेशन देख लेते हैं, द हीट वैल्यू इन ए डाइजेशन टैंक ऑफ एन एन एरोबिक प्रोसेस 220 kg अपॉन एम क्यूब, मतलब जब भी हीट वैल्यू रही किसी भी डाइजेशन टैंक की हीट वैल्यू एन एरोबिक प्रोसेस में मतलब जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी ऐसी प्रोसेस में हीट वैल्यू कितनी होगी, 220 kg अपॉन एम क्यूब विद अबाउट 0.94 एम क्यूब ऑफ गैस फॉर्म्ड पर किलोग्राम ऑफ BSS डिस्ट्रॉयड एंड अबाउट 60% मीथेन। तो मैं बहुत ज़्यादा समझाने के अभी उसमें नहीं हूँ लेकिन हाँ उतना समझा दे रही हूँ क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना हमारा ध्येय है और सिलेबस को कम्प्लीट करना। और जो जो अगर मतलब बहुत सी चीज़ें जो नहीं समझ में आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगी मैं उन्हें अलग से सेपरेट वीडियो में समझा दूँ। अगला है हमारा एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज मीडिएटेड थ्रू, जो हमारा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है पानी शुद्ध करने का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें मीडिएटेड किस कौन मीडिएटर होता है उसके बीच में मतलब किसकी उपस्थिति में होता है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन कह रहा है ए एंजाइम कैटालिसिस, बी एंजाइम, सी केमिकल, डी सल्फर। तो हमारा आंसर ए सही है, एंजाइम कैटालिस होते हैं। कैटालिस मतलब क्या होता है, कैटालिस ऐसा कोई चीज़ होता है जो मतलब किसी प्रोसेस को क्या करता है बढ़ा देता है उसकी स्पीड को, मतलब धीरे 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 कोई काम हो रहा है उसमें कोई कैटालिस आएगा तो क्या करेगा वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, तेज होने लगेगा। जैसे मान लो कॉमनली हम लोग सोच लेते हैं, जैसे मान लो तो दो औरतों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, अब दोनों झगड़ा कर रही हैं, अभी तो मतलब थोड़ा मोटा झगड़ा हो रहा है, और ऐसे ही कोई एक तीसरी औरत आ जाए कि और लड़ाई को उसमें कुछ चुगली कर दे, लड़ाई बढ़ा दे, तो उसको क्या कहेंगे, कैटालिसिस कहेंगे। वो मतलब क्या करेगा, उसको बूस्ट कर देगा चीज़ को, ठीक है, किसी भी प्रक्रिया को बूस्ट कर देगा है। तो ऐसे समझ में आया, जो कैटालिसिस क्या होते हैं, जो बढ़ा देते हैं प्रक्रिया को, स्पीड को तेज कर देते हैं। तो हमारा पहला हो गया ये, बुरा मत मानना मैंने ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले ली समझ में आ जाए, तो उसको कहते हैं एंजाइम कैटालिसिस, ठीक। क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं, एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज मीडिएटेड थ्रू एंजाइम कैटालिसिस एंड डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ माइक्रोवेल पॉपुलेशन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द ट्रीटेबिलिटी ऑफ द हैजार्डस वेस्ट डिपेंड्स अपॉन, जो हैजार्डस वेस्ट को ट्रीट किया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए, जो खतरनाक अवशिष्ट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमें किस पर डिपेंड्स अपॉन कंटेंट, किस कंटेंट पर डिपेंड रहते हैं हम लोग, ए कार्बन, बी हाइड्रोकार्बन, सी नाइट्रेट, डी सल्फर। तो हमारा सही ऑप्शन है बी हाइड्रोकार्बन। क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं, द ट्रीटेबिलिटी ऑफ द हैजार्डस वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंटेंट ऑन एन एरोबिक बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है।
आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स अफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ एन एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस. ऐसे कौन से इसमें से जो पैरामीटर दिए गए हैं, कौन से पैरामीटर अफेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन को जब वो कोई भी प्रक्रिया पानी को साफ करने की एन एरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के मतलब किसी बेस्ट का ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो क्या होता है एन एरोबिक कंडीशन में अगर किया जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है. देखो दो तरीके से किया जाता है, एक तो ऑक्सीजन होती है, एक तो ऑक्सीजन नहीं होती है. मैंने इसके बारे में लेक्चर एन एरोबिक क्या होता है, एरोबिक क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से लेक्चर सेपरेट बना रखे हैं, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. तो एन एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, कह रहा है ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ एन एरोबिक ट्रीटमेंट, कौन से पैरामीटर हैं जो इफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं हमारी एन एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस को. देखते हैं कौन कौन से, ए इन्फ्लुएंट क्वालिटी, बी केमिकल्स, सी हाइड्रोकार्बन, डी सल्फर. तो हमारा सही आंसर है ए इन्फ्लुएंट क्वालिटी. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज. जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का वो क्या कहा जाता है. अगर आपको नहीं पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है तो कमेंट करिए. जो छोटी छोटी जो जो टर्म हम पढ़ते हैं और जो जो टर्म आपको समझ में नहीं आती हैं, जैसे हमको पता नहीं चल पाएगा ना कौन कौन सी टर्म आप लोगों को आ रही है कौन सी नहीं, अगर किसी को किसी टर्म का मतलब नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उस टर्म को हम अलग से समझा देंगे. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अमोनिया का क्या कहलाता है. ए नाइट्रिफिकेशन, बी डी नाइट्रिफिकेशन, सी सेलिनेशन, डी अमोनिफिकेशन. तो हमारा सही आंसर है नाइट्रिफिकेशन. बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन. क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं, कह रहा है नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू कन्वर्ट इन टू फाइनल प्रोडक्ट टू नाइट्रेट. डी नाइट्रिफिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस. सेलिनेशन इज द अकुमुलेशन ऑफ फ्री साल्ट्स. अमोनिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इन टू अमोनिया. तो देखो सारी टर्म है ये, और ये टर्म का इसमें मैंने क्लेरिफिकेशन में अच्छे से लिख दिया था टर्म के लिए. जो जो आपको टर्म क्लियर नहीं हो रही है इसमें से देख लेना. तो अगर सेलिनेशन लिख के आया था, सेलिनेशन क्या है, फ्री साल्ट यानी फ्री साल्ट का इकट्ठा होना एक्यूमुलेट होना क्या कहलाता है, सेलिनेशन कहलाता है हमारा. और डी नाइट्रिफिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है. और अमोनियाफिकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन का बदलना अमोनियाफिकेशन कहलाता है. सेलिनेशन पता ही हो गया है कि जो नमक होता है यानी साल्ट को है, साल्ट का इकट्ठा होना सेलिनेशन कहलाता है. ठीक है आगे चलते हैं. अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन्वॉल्व्स टू ऑक्सीडेशन स्टेजेस. जो नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया होता है, नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया कौन क्या क्या इन्वॉल्व होता है, टू स्टेजेस में इन्वॉल्व होती कि नहीं ये पूछ रहा है. तो आंसर हमारा ए ट्रू है, सही कह रहा है. क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं, नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया इज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन स्टेज वेयर अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट. बट द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज ए रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं अभी कर रहे हैं, जो जो समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट में करिएगा, हम अगर नहीं समझ में आएगा आपको तो हम बता देंगे. लेकिन अभी क्या है, अभी पेपर के हिसाब से सारे क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना हमारा लक्ष्य है. आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैटलिस्ट इज नॉट यूज ड्यूरिंग कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. कह रहा है इसमें से कौन सा मेटल कैटलिस्ट है जो मतलब प्रक्रिया, अब कैटलिस्ट तो समझ में आ गया होगा जो किसी भी प्रक्रिया को बूस्ट कर दे. तो कह रहा है कि कौन सा मेटल है जो कैटलिस्ट इज नॉट यूज नहीं यूज किया जाता है ड्यूरिंग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के ऑक्सीडेशन में यूज नहीं किया जाता है. ऑप्शन हमारे हैं ए प्लेटिनम, बी कॉपर, सी निकल, डी एन ए सी एल. तो हमारा सही आंसर है डी एन ए सी एल. क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं, कह रहा है प्लेटिनम कॉपर एंड निकल इज यूज एज ए मेटल कैटालिस्ट ड्यूरिंग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है, एन ए सी एल इज अ साल्ट एंड हैंस कैन नॉट बी यूज एज ए मेटल कैटालिस्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जब भी कोई क्वेश्चन आए उसमें सॉल्व करते हुए भी देखना है कि
यहाँ पे कोई चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं कि नहीं, जैसे कि अभी ये कैटालिटिक की बात कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के ऑक्सीडेशन में थोड़ा दिमाग लगाना है सवाल को पढ़ के, कि NaCl नमक का कोई यूज़ नहीं हो सकता है, इसलिए NaCl देखते ही ख़त्म कर देना कि हाँ नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ इन्वॉल्व इन न्यूट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के न्यूट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? तो हमारे ऑप्शन है ए न्यूट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, बी डी न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया, सी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डी फैट स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो हमारा सही आंसर है ए न्यूट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं एक बार, कह रहा है बोथ अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एंड नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो बाकी आप अपना क्लेरिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, बहुत कठिन इंग्लिश नहीं लिखी है, आसान है। और जो चीज़ें समझ में ना आए उनके लिए आप कमेंट करिएगा, जितना ज़रूरी था उतना मैं अभी समझा के चल रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है और बहुत सी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करनी है रिविज़न के लिए। तो अगला है द ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया इज। तो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कितना होना चाहिए न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए? हमारा सही आंसर है ए 77 से 86 फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें नोट डाउन करने वाली भी हैं, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अगला हमारा क्या, न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया कांट सर्वाइव एट 0 सेल्सियस सी 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि जो न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं क्या वो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं 0 सेल्सियस पे? तो आपको पता नहीं ट्रू है कि फॉल्स है। तो हमारा आंसर है ए ट्रू है। क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं, न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया डाइज एट 32 फ़ारेनहाइट एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया 77 to 86 फ़ारेनहाइट। कह रहा है कि जो न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो 32 पे मर जाते हैं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए? 77 से 86। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए ट्रू। अगला चलते हैं, कह रहा है न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एट, अच्छा ये वाला हो चुका है, डबल टाइम क्वेश्चन हो गया है। अगला है नाइट्रोजन इज रिटर्न बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द एक्टिविटी ऑफ, नाइट्रोजन जो है दोबारा से बैक एटमॉस्फेयर में किस एक्टिविटी के थ्रू आती है? मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन बैक हो जाती है, मतलब पेड़ पौधे पहले उसको ले लेते हैं फिर उसको बैक कैसे करते हैं? ए डिकम्पोजर से, बी डेड ऑर्गेनिज्म से, सी न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया, डी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो हमारा आंसर है ए डीकम्पोजर। डीकम्पोजर से क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं, कहता है डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर क्या होता है, जैसे मान लेते कोई जानवर मर गया, कुछ सड़ रहा है, तो क्या होता है उसमें से जो नाइट्रोजन डिकम्पोज होती है, कीड़े मकोड़े उसको खाने लगते हैं, ख़त्म करते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे डेड ऑर्गेनिज्म से किसी से क्या होता है वापस नाइट्रोजन निकलती है जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो डेड ऑर्गेनिज्म आर डिग्रेडेड नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स अमोनिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्ट ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं, कह रहा है हाई कोलीफॉर्म काउंट इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ, वाटर में अगर जो हाई कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ही हैं, तो ई कोलीफॉर्म के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है। अगर आप सारी जितने भी मैंने लेक्चर बनाए हैं सारे पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा क्या है ये। तो हाई कोलीफॉर्म काउंट इन वाटर इज इन इंडिकेटर, ज़्यादा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर पानी में ज़्यादा हैं तो वो क्या शो करते हैं? ए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बी सीवेज कंटामिनेशन, सी हार्डनेस ऑफ वाटर, डी ऑयल पॉल्यूशन। तो हमारा आंसर है बी सीवेज कंटामिनेशन को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश इज यूज टू चेक वाटर पॉल्यूशन कास्ड बाई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अगर कोई इंडस्ट्रियल के थ्रू, मतलब इंडस्ट्री के थ्रू कचरा होता है पानी में और पानी पोल्यूटेड हो जाता है, तो उसको कैसे पहचानते हैं, पहचानने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या यूज़ किया जाता है? ए वाटर हाइसिंथ, बी पार्थिनम, सी एलिफेंट ग्रास, डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर ए है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है अगर पानी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के थ्रू
खराब किया गया है। द हाई अमाउंट ऑफ ई मतलब वही बैक्टीरिया ई कोली इन वाटर इज द इंडिकेटर ऑफ, अगर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी गंदे पानी में ई कोली की मात्रा उपलब्ध है, ई कोली बैक्टीरिया ज़्यादा है तो वो क्या शो करता है? हार्डनेस ऑफ वाटर, बी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, सी सीवेज पॉल्यूशन, डी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन वाटर। तो हमारा सही आंसर है सी, सीवेज पॉल्यूशन को शो करता है। ई कोली अगर बैक्टीरिया है तो क्या करेगा? सीवेज की क्या है कि हमारा सीवेज कैसा पॉल्यूशन शो करेगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है जो अपने आप ही ख़त्म हो सकता है? देखो ए ऑप्शन दिया है सीवेज, सीवेज क्या है? कूड़ा करकट जो भी गंदगी होती है वो है, वो अपने आप ही ख़त्म हो सकती है। उसको कहीं मिट्टी डाल के मिट्टी के नीचे ढक देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। तो सीवेज क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल अपने आप, और जो नहीं अपने आप ख़त्म हो सकते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। प्लास्टिक तो अपने आप ख़त्म नहीं हो सकती है, उसको जलाना पड़ेगा या किसी प्रोसेस को ख़त्म करना पड़ता है। पॉलीथीन भी ऐसे होता है, नहीं ख़त्म होती अपने आप। DDT भी ऐसे ही होता है। तो हमारा आंसर है ए सीवेज। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा? ब्योरी टेस्ट आर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट इज मेड फॉर मेजरिंग, ये जो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है यह टेस्ट किस लिए किया जाता है, क्या पता करने के लिए करते हैं इसका टेस्ट? ए एयर पोल्यूशन पता चलता है, बी वाटर पोल्यूशन, सी नॉइज पोल्यूशन, डी सॉइल पोल्यूशन। तो BOD टेस्ट किया जाता है वाटर पोल्यूशन के लिए। व्हाट इज़ BOD? इसके लिए मैंने एक लेक्चर बना रखा है सेपरेट, तो आप उसको देख सकर BOD के बारे में अच्छे समझ सकते हैं। देखो ये रिविजन सीरीज है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का कोई वो नहीं करना है क्योंकि रिविजन चल रहा है। ये पोल्यूटेड वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाई यूजिंग, पोल्यूटेड वाटर को क्या यूज़ करके प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध कर सकते हैं? ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी एल्गी, सी पेस्टिसाइड्स, डी फिशेस। तो हम लोग पोल्यूटेड वाटर को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज ए मेजर ऑफ, BOD क्या मेजर करता है? ए इंडस्ट्रियल वेस्ट पोर्ड इन टू वाटर बॉडीज, बी एक्सटेंट टू विच वाटर इज पॉल्यूटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, सी अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनसेपरेबली कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन, डी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाई ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट। तो मैसे आंसर है आंसर नंबर बी, एक्सटेंट टू विच वाटर इज पॉल्यूटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर पॉल्यूटिंग फैक्टर, पानी को पॉल्यूट करने का फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ए स्मोक यानी धुएं से तो पानी प्रदूषित होता नहीं इसलिए नहीं है, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी डिटर्जेंट, डी अमोनिया। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो सकता है बी इंडस्ट्रियल वेस्ट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का मेन फैक्टर है कौन सा? ए कमर्शियल प्रोडक्शन, बी विंडमिल, सी स्मोक एंड अमोनिया, डी डिटर्जेंट। तो हमारा सही आंसर है कौन सा होगा? डी डिटर्जेंट। पानी में जब डिटर्जेंट जाता है तो पानी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर देता है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन का है हु वॉज द फर्स्ट टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सबसे पहले किसने पता किया था, कौन पता कर पाया था? ए एरिस्टल, बी थियोप्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेट्स, डी थेल्स। तो हमारा सही आंसर है सी हिप्पोक्रेट्स। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इज ड्यू टू, थर्मल पोल्यूशन वाटर में किस चीज़ कैसे हो जाता है? ए डिस्चार्ज ऑफ हीट हॉट वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स, बी डिस्चार्ज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सी डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट फ्रॉम माइनिंग, डी डिस्चार्ज ऑफ एग्रीकल्चरल रन ऑफ। तो हमारा सही आंसर है ए डिस्चार्ज ऑफ हीट हॉट वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन इज कॉज ड्यू टू, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? ए सीवेज एंड अदर वेस्ट के चक्कर में होता है, बी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होता है, सी एग्रीकल्चरल डिस्चार्जेस होते हैं, और डी क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो हमारा सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। सीवेज भी पानी को प्रदूषित करता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी करते हैं, एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज भी करता है, ऑल ऑफ दिस सारे ये हो सकते हैं।
अगला चलता है, कह रहा है कि वाटर पोल्यूशन इज कास्ट ड्यू टू, वाटर पोल्यूशन का कारण इसमें कौन सा हो सकता है, ये हमने क्वेश्चन हो चुका है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला क्या है, कह रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज विच ट्रीटमेंट स्टेज इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो वेस्ट वाटर को शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है उसमें एक मतलब एक स्टेज बाय स्टेज उसको शुद्ध किया जाता है, तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है जिसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जुड़ा होता है, तो ए कह रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट, बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सी टर्टियरी ट्रीटमेंट, डी रिवर्स ऑस्मोसिस स्टेज, बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो हमारा सही आंसर है बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अगला चलते हैं, कह रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बेस्ट बाई, वाटर पोल्यूशन कैसे रोका जा सकता है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है उसके लिए, ए ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स टू रिमूव इंजेरियस केमिकल्स, बी रियरिंग मोर फिशेस, सी कल्टिवेटिंग यूजफुल वाटर प्लांट्स, डी स्प्रेइंग विद यूटीज, आंसर हमारा सही है ए ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स टू रिमूव इंजेरियस केमिकल्स। आगे चलते हैं, कह रहा है द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, वाटर पोल्यूशन का मेन कारण कौन सा है, ए सोप, बी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, सी स्मोक, डी अमोनिया, तो हमारा आंसर है बी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिनी माता डिजीज इज ए पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज रिजल्ट फ्रॉम, ए मतलब मिनी माता डिजीज होती है कौन से प्रदूषण के कारण होती है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ए ऑयल स्पाइस ऑयल स्पिल्स इंटू सी, बी अकुमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इंटू एटमोसफियर, सी रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्करी इंटू फिशिंग वाटर, डी रिलीज ह्यूमन ऑर्गेनिक वेस्ट इंटू ड्रिंकिंग वाटर, तो हमारा सही आंसर है सी रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्करी इंटू फिशिंग वाटर, यानी जो मर्करी इंडस्ट्रियल वेस्ट से बह के पानी के जाती है पानी में और पानी में क्या होता है मछलियाँ होती हैं और मछलियों उसमें फिशिंग वाटर होता है मछली पाली जाती है और मछलियों को इंसान खाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है मिनी माता डिसीज होने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट, जो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज था फर्टिलाइजर का जब वाटर बॉडीज मतलब तालाब नदी कुछ भी होता है पानी का बना हुआ तो उसमें ज़्यादा रिलीज होता तो क्या होता है जब उसमें फर्टिलाइज बहुत ज़्यादा पहुँच जाते हैं, ए कह रहा है ग्रोथ ऑफ फिशेस, फिशेस की ग्रोथ होती है, बी डेथ ऑफ हाइड्रोफाइट्स की डेथ हो जाती है, सी इट्रोफिकेशन होता है, डी सिल्ट होता है, तो हमारा सही है इट्रोफिकेशन होता है। अब इट्रोफिकेशन क्या होता है इसके बारे में लेक्चर बनाए हुए हैं थोड़े थोड़े टर्म के, आप सारे लेक्चर एक साथ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। फॉल स्मेल इन द वाटर ऑफ टैंक्स पॉन्ड्स इट इज़ ड्यू टू, जो फॉल स्मेल आती है गंदी सी स्मेल जो वाटर टैंक से आती है वो किस लिए आती है, ए एनएरोबिसिस के चक्कर में, बी एरोबिसिस के चक्कर में, सी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के चक्कर में, डी सेमोफाइट्स के चक्कर में, तो हमारा सही आंसर है ए एनएरोबिसिस के चक्कर में होता है ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर व्हेन द सीवेज इज डिस्चार्ज इन टू वाटर, कौन सी चीज़ नहीं होती जब सीवेज को डिस्चार्ज किया जाता है वाटर में, ए इंक्रीज इन ओटू एंड ऑक्सीजन बढ़ जाती है, बी कह रहा है साइनोफाइसिन ब्लूम्स अकर नहीं, सी डिप्रेशन ऑफ ओटू लेयर्स, डी इट्रोफिकेशन, तो आंसर हमारा सही है ए इंक्रीज इन ओटू यानी कि ओटू बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, कह रहा है फिशेज डाइज बाई सीवेज बिकॉज, फिशेज पानी में सीवेज में क्यों मर जाती हैं गंदे पानी में, ए ऑप्शन हमारा ए है ऑफ इट्स बेड स्मेल, बी इट रिप्लेस फूड मटेरियल ऑफ फिशेज, सी कह रहा है इट इंक्रीज ऑक्सीजन कंपटीशन अमॉन्ग फिशेज, डी CO2 इज मिक्सड इन लार्ज अमाउंट इन वाटर, आंसर हमारा ए है ऑफ इट्स बेड स्मेल। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए वाटर पॉल्यूटेंट एंड कॉजेस स्टेरिलिटी इन ह्यूमन बींग, वाटर पॉल्यूशन करता है और स्टेरिलिटी इंसानों में फैलाता है, कौन है वो, ए AS, बी MN, सी MG, डी HG, तो हमारा आंसर है बी MN। अगला क्वेश्चन है विच रीजन्स ऑफ सीज आसन ओशंस आर द मोस्ट पोल्यूटेड, किस जगह पे क्या होता है कि समुद्र ज़्यादातर पोल्यूटेड हो जाते हैं यानी पॉल्यूशन से प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए इस्टुराइन में, बी कोस्टल एरिया में,
सी सी डेप्थ में, डी कोरल रीफ्स में। तो हमारा सही आंसर है डी, सॉरी बी, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया जहाँ समुद्र आके ज़्यादातर रुकते हैं और ज़्यादा इंसानों का आना जाना होता है, चीज़ें फैलती हैं वहीं पे। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं आज के, और अभी एक नई सीरीज फिर से बनाते हैं लेक्चर की, पेपर फर्स्ट के लिए भी करंट अफेयर बनाते हैं, जो संभावित करंट अफेयर हो सकता है उसको बना रहे हैं। तो नेक्स्ट सीरीज थोड़ी देर में ही आएगी, इसलिए तैयारी करते रहिए।